कल एक खबर जो आप तक पहुंची और वो मुआहदे की तौसी और तौसीक थी, जिसमें हमारी टीम हुकूमती वफद के साथ काफ़ी देर मुज़ाकरात में रही, जिसमें उन्होंने अपने इस अहद का पास रखते हुए ये बात कही कि जी हमें नहीं पता था कि नामूस रिसालत का मामला इतना नाजुक है, हमें तो बाबा जी के दुनिया से जाने के बाद पता लगा। उन्होंने कहा जी हम इस मामले पर अमली इकदाम करने के लिए तैयार हैं, हमें वक्त दिया जाए। तो हमारा वक्त उन्हें देना इस बात का है कि हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर सरकारी सतह पर जवाब चाहते हैं, और उस सरकारी सतह पर जवाब देने के लिए हमने उन्हें वक्त दिया। और वो वक्त का ऐलान खुद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया। हम उसके बाद भी ये कहते हैं कि वो 17 फरवरी हो या 20 अप्रैल हो, हम मैदान अमल के लिए तैयार हैं। हमने आपको एक मौका दिया है कि आप अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू हो सको। और दूसरी बात यह है कि उनका खुद बैठकर हमारी टीम से ये बात करना कि जी हम इस मामले में अब सीरियस हो चुके हैं, ना तो सिविल गवर्नमेंट हमारी नामूस रिसालत पर कोई बात सुनती है। वो कहते हैं जी सब कुछ हो सकता है, नामूस रिसालत के परवानों पर शैल नहीं गिराए जा सकते। उन्होंने कहा जी इदारों के लोग वो भी इस बात के ऊपर हैं कि सब कुछ हो सकता है, सबको रोका जा सकता है, नामूस रिसालत के परवानों को नहीं रोका जा सकता। तो हम आपके सामने इस बात का अहद करते हैं कि आप हमें वक्त दें, इंशाल्लाह हम अमली तस्वीर में आएंगे। हमने कहा जी आपको वक्त दे दिया गया हुजूर के नाम पर, क्योंकि उनकी नामूस का मसला है, अल्लाह ताला आपसे ये काम ले ले और आपको क्यामत वाले दिन हुजूर के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हम इसके लिए दुआ करते हैं, और इसके लिए हमने वो ऐलान और मुआहदे की तौसी भी कराई। लेकिन एक बात है कि अगर आप समझें कि हम 60 दिन का टाइम लेने के बाद इस जज्बे को ठंडा कर सकेंगे, ये वो जज्बा है जो ठंडा होने वाला नहीं है। ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये उन जज्बों में से है कि हजरत उकबा बिन नाफे फाते अफ्रीका, हमारे कायद जब इनकी बात करते थे तो इनका वाक्या सुनाते थे कि आप जब अफ्रीका के जंगलों में मुसलमान मुजाहिदों के साथ पहुंचे ना, तो आपने एक टीले पर चढ़कर ऐलान किया कि ऐ इस जंगल के दरिंदो, शेरों, चीतों, हाथियों और मुजी जानवरों, मैं तुम्हें ऐलान करता हूं कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आए हैं इस जंगल में, और इस जंगल में हमने रात बसर करनी है, तो ये जंगल खाली कर दो। तो कहते हैं कि कुछ देर बाद देखा कि चूंटियां भी अपनी बिलों से निकल कर जा रही, हाथी शेर अपने बच्चों को मुंह में चबाए हुए लेकर जा रहे। उन्हीं के जज्बे की एक बात सुनाऊं कि जब आपने अफ्रीका फतह कर लिया तो आगे आ गया समंदर। हजरत उकबा बिन नाफे ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और समंदर के अंदर दाखिल कर दिया। जब घोड़े की गर्दन तक पानी पहुंचा ना और आपकी कमर तक पानी पहुंचा, तो आपने घोड़े की बाग खींच के ना ऐसे आसमान की तरफ बुलंद की और अपना मुंह भी आसमान की तरफ बुलंद करके कहा कि मेरे मौला तू गवाह रहना कि उकबा बिन नाफे का जज्बा जिहाद खत्म नहीं हुआ, तेरी जमीन खत्म हो गई है। ये बात किसी की गलत फहमी में ना रहे कि लब्बैक वालों को 60 दिन का चकमा देकर या 60 दिन हमसे मांग कर, हमने तो अपने इखलास की बुनियाद पर दिया है इसलिए कि हमारी रियासती सतह पर फ्रांस को जवाब हो जाए, क्योंकि हमारे आयद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो रियासती सतह के ऊपर गुस्ताखी हुई है तो जवाब भी रियासती सतह के ऊपर होना चाहिए। हमने उस रियासती सतह के ऊपर जवाब के लिए आपको मजीद 60 दिन दिए हैं, उसके अंदर आप करें। और अगर कोई ये समझे कि ये जज्बा खत्म हो चुका है, तो हमारे बड़ों का तो जज्बा समंदर के अंदर जाकर भी खत्म नहीं हुआ। हम जिस कबील में से हैं वो जज्बे खत्म होने वाले नहीं हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जो कुछ हमें जिंदगी में तकलीफ और परेशानी उठानी पड़े वो हमारे लिए ज्यादे रहा है, वो हमारे लिए सरमाया हयात है, वो हमारे लिए वो चीज है जिसको हमने लेकर कल जन्नत में जाना है। जब खालिद बिन सुफियान अल हुजली को अब्दुल्ला बिन उनैस ने वासिल जहन्नम किया, मेरे आका मौला ने फरमाया जाओ उसको वासिल जहन्नम। ये बड़ा लंबा वाकया है, उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने चलते हुए नमाज भी पढ़ी, वो भी इमाम बुखारी ने नकल किया है, बड़ा लंबा वाकया है। जब मेरे आका मौला